37 ବର୍ଷ ହେବ ବିନା ଖାଦ୍ୟ ବିନା ଔଷଧରେ ଜୀବନ ଜିଉଁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲେ ବି କଥାଟା ଏକଦମ ସତ। ଜଣେ 47 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ବିନା ଖାଦ୍ୟରେ ଚଲାବୁଲା ସହ ସବୁ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ। ନାମ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତିଲତା ଜେନା। ଘର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ଅସିମିଳା ଗ୍ରାମରେ। बयस 47 वर्ष छुईलाणी किंतु दीर्घ 37 वर्ष हेबो बिना खाद्य एवं बिना औषधरे जीवन जीउछंती। दिन सारा केवल दुई तीन थर पानी पीउथिबा कथा कहिछंती निजे शांतिलता। घर पाखरे थिबा एक सनिश्चर मंदिर रे पूजक भाबे कार्य करंती। से काम करबा को बळ कमी गले झुणा धुआं एवं धूप धुआं मुह पाखरे लगाई देले बळ आसी जाय बोली शांतिलता कहिछंती। शांति तृतीय श्रेणी में पाठ पढ़ुता बेले हठात तांकर विद्यालय रे बांति होइतिला। शिक्षक माने तांकु सेतबेले घर को नहीं आसीथिले। शांति को सेपेठारु बेस किछि दिन डाक्टर को देखाइथिले घर लोके। तापरे मध्य भलो होइ नथिला। जहां खाइले भी तांकर बांति होइ जाउथिला। जहां औषध देले मध्य कोनोसी काम करनोथिला। सेपेठारु खाद्य खाइबा बंद करबा सह केवल पाणी पी शनिश्चर को पूजार्चना रे लागि पड़िछंती महिला जनक। पिला पर से पानी भी रही डाक्टर मान से पेट सुखीगला खाद्य घर रही आगुरी छुआटे बेलू खाऊ ना सी हूँ हटात किसी है मेडिसिन फेडिसीन डाक्टर सब बंद करदे इंजेक्शन भी सुधा गोटे पारे द्वारा मुझे बचुची। आम समस्ते जानते खाद्य न खाइले बचा एक प्रकार असंभव किंतु शांतिलता क्षेत्र में जपरी यह असंभव रु संभव हो पार परिवार रो भाउज मध्य शांति बिना खाद्य और बिना औषधरे जीवन बंचितबा कथा को कहिचंती। विज्ञान जुगरे केतेको एहा किपरि संभव बोली बड़ प्रश्नवाची उंकी मारुची। एते माने खाली पेट रो रही पारु नाहंती जो ये केमितिका रहउचन तांकर उठे ठाकुर को धारणा रो रही चंती आ बहुत लोग भी आसुचंती ठाकुर पाखु को सय दर्शन लोक भी शनिवार आसुचंती मुदा बाछिया पई भी आसुचंती। तो आमे तो देखि आसुचु खाउ नाहंती खायापाई ऐश्वरिक शक्ति द्वारा किसी खाई पारना खायापाई इच्छा होनी जदिओ जहाँ कि पानी फाणी पीवापी से चाहूँ पीऊँ संगे संगे बांतिर बाहर कर देखी आस चालीस वर्ष धरी हम दीर्घ 37 वर्ष हेबो बिना खाद्य जीवन जापन करने समस्त को आश्चर्य करिछि। तेबे एहा किपरि संभव ताहा गवेषणा करिबार आवश्यकता रहिछि। बालेश्वर जिला सोरोरु गयाधर साहू का रिपोर्ट अर्गस डिजिटल। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।